नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज बहुत ही अहम दिन था बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर। आपको बता दें कि बीपीएससी को दायित्व दिया गया है बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली का। आपको बता दें कि पिछले 10-15 दिनों से शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। और आज के बारे में ये कहा गया था कि आज जितने भी जो विवाद हैं या वैसे बिंदु हैं जिनको लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें क्या करना है, क्या प्रावधान होंगे, उसको लेकर आज फाइनल बैठक था। बैठक चला 3.5 घंटा चला, जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन सभी बिंदुओं पर बात नहीं बन सकी है। और आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे के बाद फिर से शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीपीएससी के अधिकारी फिर से बैठेंगे और बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया जाना है। आपको बता दें कि उम्र, परीक्षा के पैटर्न, योग्यता, इन सभी बिंदुओं पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में मतभेद की स्थिति आ रही है, जैसा खबरों में आ रहा है, जैसा पता चल रहा है। आपको बताते चले कि 15 मई को बीपीएससी के द्वारा पीसी किया गया और उसमें बताया गया कि परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कितने फेज में परीक्षा लिया जाएगा, कौन से कंपलसरी पेपर होंगे, कितने अंक होंगे और क्या क्या योग्यता होगी। लेकिन इसके बाद बता दें आपको हम कि बहुत सारे ऐसे बिंदु आए जिस पर जो अभ्यर्थी बनेंगे उनके द्वारा विरोध किया गया। सबसे पहले तो विरोध नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया गया, वो इस नियमावली का ही विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे कहना है कि हमें परीक्षा से न गुजारा जाए, हमारा डिपार्टमेंटल परीक्षा लिया जाए और हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ अपीयरिंग कैंडिडेट का भी मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सब्जेक्ट को लेकर है, जिस पर पैटर्न पर लेकर है, निगेटिव मार्किंग को लेकर है, उम्र को लेकर है, छूट को लेकर है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में मंथन चल रहा था। जो एक ऐसा प्रावधान करने की बातें चल रही थी जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय और बीपीएससी के द्वारा आज अहम बैठक होने वाला था और ये तय माना जा रहा था कि आज के बैठक के बाद नोटिफिकेशन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि बैठक में सारे बिंदुओं पर निर्णय नहीं हो पाया, एक राय नहीं बन पाई और कल फिर से जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक कल फिर से दोपहर में 3 बजे के आसपास फिर से बैठक शुरू होगी और बैठक में एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि आयोग और शिक्षा विभाग जो है लगातार मंथन कर रहा है और सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि शिक्षक अभ्यर्थी बनने जा रहा है, जिसमें 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, 3-4 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं और इन सभी के अलग अलग मांग हैं। एसटीईटी से संबंधित है, सीटेट से संबंधित है, योग्यता से संबंधित है, उम्र से संबंधित है, पैटर्न से संबंधित है। तो इसी को लेकर मंथन चल रहा है और बहुत ज़्यादा दबाव भी है सरकार पर, क्योंकि लगातार नियोजित शिक्षक जो हैं वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ प्रावधान किए जाए, हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, हमें परीक्षा से न गुजरना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक सरकार का यही स्टैंड है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा लेने के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित 1 से 12 तक की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नियमित शिक्षक बन सकते हैं। तो देखिए, आज का जो बैठक है, जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बेनतीजा रहा। कल जो है फिर से मंथन होगा, बात विचार होगा और एक राय बनाने की कोशिश होगी और एक ऐसा नोटिफिकेशन, एक ऐसा प्रारूप बनाने की तैयारी होगी जो कि सबको स्वीकार्य हो और कोई भी विवाद परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद न उत्पन्न हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।